fill pipe can fill a tank in 20 hours. A drain pipe can drain a tank in 30 hours. If n pipes, fill pipes and drain pipes put together can fill the tank in exactly 5 hours, which of the following are possible value of n? More than one option could be correct. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्या कह रहा है कि एक फिलिंग पाइप है और एक ड्रेन पाइप है. फिल पाइप टैंक को कितने देर में फिल कर रहा है? 20 आवर्स में. और ड्रेन पाइप इसको कितने देर में ड्रेन कर रहा है? 30 आवर्स में. तो वर्क डन को मैंने हमेशा आप क्या बताया कि वर्क डन ऐसा नंबर अज्यूम कर लो जो एलसीएम हो टाइमिंग का. तो अज्यूम कर लो कि टोटल वर्क डन है 60 यूनिट. तो जो पाइप फिल कर रहा है उसका रेट ऑफ वर्क डन क्या होगा? वो हो जाएगा प्लस 3 यूनिट, सिंपली 60/20. जो पाइप ड्रेन कर रहा है उसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस 2 यूनिट, सिंपली 60/30, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ. अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि इन पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया है जिसमें फिलिंग भी है और ड्रेन पाइप भी है. इनका वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये गिवन है कि ये दो कॉम्बिनेशन है वो 5 आवर्स में टैंक को पूरी तरह से फिल कर रहे हैं. तो 5 आवर्स में फिल कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स है वो 5 आवर्स में 60 यूनिट ही तो काम कर रहे हैं. तो इनकी पर आवर की एफिशिएंसी कितना मिल जाएगी? वो सिंपली मिल जाएगी 60/5, दैट इंप्लाई 12 यूनिट. इट मींस ये जो फिलिंग पाइप और ड्रेन पाइप का कॉम्बिनेशन है वो पर आवर 12 यूनिट का काम कर रहा है. ये क्लियर है? नाउ आपको पता नहीं है कि ये एन क्या है, तो अज्यूम कर लो कि टोटल एक्स फिलिंग पाइप था. तो ड्रेन पाइप कितना होगा? सिंपली हो जाएगा एन माइनस एक्स. डोंट वरी, ये बहुत बड़ा कोई वेरिएबल नहीं है. फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी कितनी थी? 3 यूनिट पॉजिटिव. तो ये टोटल कितना काम करेंगे? ये 3x. ड्रेन पाइप की एफिशिएंसी कितनी थी? माइनस 2. तो ये कितना काम करेंगे? एन माइनस एक्स इंटू माइनस 2. और इन दोनों का सम पर आर का जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा? 12 यूनिट के. तो यहां से आप क्या लिखोगे? 3x, यहां से माइनस 2 और माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस 2x. और यहां से क्या हो जाएगा? माइनस 2n. और ये किसके इक्वल आएगा? 12 यूनिट के, करेक्ट. तो यहां से आप क्या लिखोगे? 5x इज इक्वल टू 2n और प्लस क्या हो जाएगा? 12. यहां से लिख सकते हो 2 इंटू ये हो जाएगा n प्लस 6, करेक्ट. तो यहां से x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू आपको मिल जाएगा सिंपली ट्वाइस इंटू एन प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 5. ये अपने आप में सॉल्यूशन है. पूछो क्यों? x का वैल्यू तो इंटीग्रल वैल्यू होगा, इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है कि आधा फिलिंग पाइप है जब न्यूमरेटर का जो वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में हो जाए. तो अगर आप n का वैल्यू 54 रखोगे तो आपको न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? वन मिल जाएगा 2 इंटू 54 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 5. अल्टीमेटली यहां से क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 60/5, करेक्ट. तो यहां से 24, तो 54 के केस में भी ये मिल जाएगा आपको. अगर आप x का वैल्यू 29 भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो 29 प्लस 6 35, वो भी 5 का मल्टीपल है. बाकी के जो दो ऑप्शन है 1 और 4 उस वो 5 के मल्टीपल में नहीं होंगे n प्लस 6. तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स.